हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ब्लॉक की फर्स्ट लेयर को PCC के ऊपर इरेक्ट किया जाता है। PCC के डायमेंशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, इसकी जो थिकनेस होती है वो 150 mm होती है और विड्थ 400 से 450 mm होती है। फर्स्ट लेयर ऑफ ब्लॉक इरेक्शन करने के बाद जियोग्रिड की फर्स्ट लेयर आती है। ब्लॉक के बॉटम में शीयर की होती है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो कि नीचे वाली लेयर में लॉक हो जाती है, जिससे कि ब्लॉक बाहर की तरफ ना भागे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्रिड का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि डिज़ाइन में मेंशन रहता है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ जियोग्रिड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल में यूज़ की जाती है, जैसा भी ड्राइंग में मेंशन रहेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जियोग्रिड की जो कटिंग लेंथ है, उसके बंडल बनाकर लेयर के ऊपर बिछा दिया जाता है। इसके बाद ब्लॉक इरेक्शन को स्टार्ट किया जाता है। ब्लॉक इरेक्शन स्टार्ट करने से पहले पूरे अलाइनमेंट पे मास्टर ब्लॉक को सेट किया जाता है, जो कि नीचे वाली लेयर से 15 mm का ऑफसेट अंदर की तरफ रहता है। ब्लॉक वाली आरी वॉल में हर लेयर आउटर से 15 mm का बैटर अंदर की तरफ काटा जाता है, जिससे कि आरी वॉल अंदर की तरफ टिल्ट रहे। इन मास्टर ब्लॉक पे लाइन डोरी बांध के इरेक्शन को स्टार्ट किया जाता है। आरी वॉल का जो मेन पर्पज़ है वो सोयल मास को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और जो एज ए रेनफोर्समेंट इसमें हम जियोग्रिड का यूज़ करते हैं, उसका जो फंक्शन रहेगा वो जो सोयल मास में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको रेजिस्ट करना, और जो आरी वॉल का फेसिंग एलिमेंट रहेगा उसके लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सिंपली ब्लॉक को प्लेस करके इरेक्शन को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर हमें लाइन लेवल का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि अलाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको मेंटेन कर सकें। ऊपर से जब आरी वॉल को देखते हैं तो 15 mm का जो बैटर हम हर लेयर में देते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर नज़र आना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर हर लेयर में जो 15 mm का बैटर दिया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है। इसके बाद ब्लॉक इरेक्शन होने के बाद जो हमारी अगली प्रोसेस रहेगी वो है ड्रेनेज बे को फिल करना, जिसे हम फिल्टर मीडिया कहते हैं। इसको JCB का यूज़ करके डाला जाता है और मैनुअली इसकी ड्रेसिंग की जाती है। फिल्टर मीडिया का जो मेन फंक्शन है वो सोयल इरोजन को रोकना, जैसा कि मॉइस्चर के साथ सोयल बाहर की तरफ ना बहे, और इसको हम जनरली 600 mm की विड्थ में डालते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो फिल्टर मीडिया डाला गया है वो 600 mm की विड्थ में डाला गया है। फिल्टर मीडिया डालने के बाद जो हमारी अगली प्रोसेस रहेगी वो है जियोग्रिड की लेइंग। जियोग्रिड लेइंग में वुडन पैक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे ग्रिड को अच्छे से टाइट किया जा सके और इसमें रिंकल्स वगैरह ना रहें। ग्रिड लेइंग होने के बाद जियोग्रिड को कवर किया जाता है। जियोग्रिड कवरिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी जियोग्रिड कहीं से भी लूज़ और फोल्ड नहीं होनी चाहिए, और जो भी हम इसमें कवरिंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, सैंड सोयल वगैरह, ये फ्री ऑफ लंप्स एंड फ्री ऑफ बॉर्डर्स होनी चाहिए। जियोग्रिड कवरिंग के बाद हम आगे चलते हैं। आरी वॉल का जब टॉप हो जाता है तो इसके ऊपर कोपिंग बीम को कास्ट किया जाता है। कोपिंग बीम का जो मेन पर्पस है वो आरी वॉल को टॉप से क्लोज करना, और जो इसके ऊपर क्रश बैरियर की इरेक्शन की जाएगी
उसके लिए स्मूथ लेवल प्रोवाइड कराना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।